हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की स्टूडियो में आप सबको बताने वाली हूँ 32 बस्ट साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। और ये बहुत ही इजी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग होने वाली है, स्पेशली बिगिनरों के लिए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने में। तो आज मैं आपको डायरेक्ट फेब्रिक पे कटिंग बताने वाली हूँ। तो मेजरमेंट हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। लेंथ है 13 इंच तैयार, बस्ट है 32 का, वेस्ट है 28, फ्रंट नेक हम लोग 6 इंच तैयार रखेंगे, बैक नेक 8 इंच का तैयार रहेगा, शोल्डर हम लोग रखेंगे 5.25 इंच का। ठीक है, तो ये हम लोग का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बेल्ट बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लेंगे जितना भी आपका तैयार लेंथ है उसमें प्लस हम लोग 1 इंच करेंगे। तो जैसे मेरा 13 इंच तैयार होने वाला है तो प्लस 1 इंच 14 इंच पे आएगा, यहाँ से भी 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये जो हम लोग का मार्किंग है इसमें हम लोग सीधा लकीर खींच देंगे इस तरह से। यहाँ से हम लोग शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर आप अपने नेक के अनुसार लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 5.25 के ले रही हूँ क्योंकि ये 32 का बस साइज का है, इसीलिए, वरना शोल्डर गिरेगा। और यहाँ से 5.5 इंच का आर्म होल, यहाँ से भी 5.25 होना चाहिए। और पॉइंट टू पॉइंट को मिला देते हैं इस तरह से। यहाँ से हम लोग लेंगे जितना भी आपका बस्ट है उसका चौथा भाग। तो जैसे मेरा बस्ट जो है वो 32 का है, तो यहाँ पे 32 का चौथा भाग जितना भी आता है उतना, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। नीचे भी हम लोग 8 इंच पे लेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 28 कमर का मेजरमेंट है, तो 1 इंच तो हम लोग का डार्ट में चला जाता है। और यहाँ पे मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना आपको लेना है। तो यहाँ पे अपने मार्जिन में ले रही हूँ 1.75 इंच की। अब फिटिंग लाइन में मिला देते हैं और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन में। अब बैक साइड के आर्म होल के लिए 1 इंच पे गोलाई देंगे, या आप इस तरह से फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। इससे इजीली आपका आर्म होल अच्छे से ड्रॉ हो जाता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच भी आप ले सकते हो या 2.25। यहाँ पे मैं कम ही ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ से मैं 8 इंच ले रही हूँ, नीचे से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच की होगी। और जो हम लोग का ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट है उसको मिला देंगे। और आपका जैसा भी नेक है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लीजिए अपना नेक। तो यहाँ पे मैं गोलाई में शेप दे रही हूँ, यहाँ से 3.5 इंच में डार्ट के लिए, ऊपर 4 इंच तक। डार्ट जो ये लेंथ होती है इसकी लेंथ भी हमारी कम ज़्यादा हो सकती है नेक के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने दूसरा में ऐसा बताया था इतना लेंथ लेना है और इसमें इतना बता रही है। तो ये बैक साइड की हमारी जो ड्राफ्टिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम लोग कट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप विगनर हो तो जब भी आप इस तरह से मार्किंग करें उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका सारा मेजरमेंट ठीक ठाक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार कटिंग हो गई तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए कटने से पहले हमेशा आपका मेजरमेंट जो है अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि विगनर जो होते हैं उनसे अक्सर गलतियाँ होती है। ठीक है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब आपको इस तरह से नोचेस लगा देना है ताकि जब भी आप फिटिंग की लाइन की सिलाई करोगे तो आपको पता चल जाए कि ये आपकी फिटिंग लाइन है। और डार्ट के पॉइंट में भी आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, इसमें भी नॉचेस लगा के। तो
तो इस तरह से आपको नोचेस लगा देना है, मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है, आप चाहो तो सेंटर में भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं हमेशा, आपने देखा है मुझे कि मैं अपनी नेक की जो कटिंग है वो बाद में करती हूँ, वो क्यों, मैं उसमें एक वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। तो बैक साइड की तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो बैक का पार्ट है उसको ही हम लोग रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। और जैसा हमारा बैक साइड का पार्ट है वैसे ही हम लोग सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो बिना बैक साइड का पार्ट रखे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड के पार्ट को रख के फ्रंट साइड के लिए ड्राफ्टिंग कर लिया है, और अभी हमें क्या करना है, तो अभी हम लोग अपना लेंथ हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, क्योंकि बेल्ट हम लोग अलग कट करेंगे और ये सिर्फ हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा। तो 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस लाइन को सीधा खींच लेंगे इस तरह से। अभी हमने यहाँ से आर्म होल 5.5 का रखा था, लेकिन यहाँ से हम लोग 6 इंच का रखेंगे, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। तो हमने फ्रंट साइड के लिए आर्म होल हमने 6 इंच रखा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डार्ट आएगा तो हमारा जो यहाँ पे आर्म होल का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे 6 इंच लिया, यानी 1/2 इंच और ज़्यादा लिया है, ठीक है। और यहाँ से अभी हम लोग गोलाई देंगे, यहाँ से हमने 1 इंच पे गोलाई दिया था, तो अभी हम लोग इस बैक साइड और फ्रंट साइड के बीच में 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे फ्रंट साइड के लिए आर्म होल की गोलाई करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से लेंगे, जैसे हमने वहां पे लिया था फ्रंट साइड का पार्ट में बस्ट का चौथा भाग लिया था हमने, तो 8 इंच आया था, तो यहाँ पे हम लोग 8.5 इंच लेंगे इस साइड से भी, यहां से 8.5 इंच। और बैक साइड में जितना हमने मार्जिन लिया था यहां पर भी उतना ही मार्जिन लेंगे, 1.75 इंच की मैं ले रही हूँ, यहां से भी 1.75 इंच की। और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन में, और जो हमारा मार्जिन लाइन है उसको मार्जिन लाइन में। यहाँ पे हमने 1/2 इंच इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारा यहाँ पे हुक पट्टी भी आएगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड का ओपनिंग ब्लाउज है, तो यहाँ पे हुक पट्टी के लिए हमने ले लिया है मार्जिन सारा। यहाँ से नेक की चौड़ाई जितना हमने वहाँ लिया था यहाँ पर भी उतना ही लेंगे। और यहाँ 6 इंच पे मैं अभी मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हम अपना नेक घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए 6 इंच ही रख रही हूँ अभी। स्टिचिंग के टाइम इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से 1 इंच में गोलाई देंगे इस तरह से, तो अच्छी सी शेप आएगी हमारी यहाँ पे। और यहाँ से हमारी 3.75 पे डार्ट के लिए ऊपर की तरफ 2.25, यहाँ से 1 इंच ऊपर में पॉइंट लगाएंगे, और इस पॉइंट से यहाँ इस तरफ से 2.5 इंच, और यहाँ से ऊपर की ओर से 2 इंच मेजर करेंगे, सॉरी नीचे से 2 इंच मेजर करेंगे ऊपर को, और यहाँ से 4 इंच, चार इंच या आप इस तरह से मेजर करो कि यहाँ पे जो है एक गोलाई का शेप आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पॉइंट, तो यहाँ से इसकी दूरी है 3.25 फ्रंट आर्म होल से, तो एक आपका गोलाई आना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये कटिंग जो है हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, सॉरी फ्रेंड्स कटिंग बोल दिया, मार्किंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बेल्ट किस तरह से कटिंग करना है वो आपको बताती हूँ।
तो ये फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है और अब मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ। ये कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे अभी मैं मार्किंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरा दूसरा साइड का जो पार्ट है उसमें भी ये मार्किंग आ जाएगी और मुझे इजी होगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आ गया है मार्किंग। अब इस तरह से कर देती हूँ। या आप इस तरह भी देख सकते हो कि 2 इंच ऊपर होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो। और ये इस साइड भी हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पे डार्ट आपको कितना लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो डार्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 0.75 और इस साइड भी 0.75। यहाँ पे 0.25 से हल्का सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 1/2 इंच भी नहीं लेना है और ना ही उससे बहुत ज़्यादा कम, यानी 0.25 से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी उतना ही लेना है और इस साइड भी आपको उतना ही लेना है, यानी ये जो इसमें ही आपको ज़्यादा डार्ट लगाना है, बाकी सबका जो हिस्सा है उसमें आपको कम कम लेना है, ठीक है। अब ये हो चुकी है, अब मैं आपको बेल्ट बता देती हूँ कि बेल्ट हम लोग किस तरह से कट करेंगे। तो अब मैं आपको बेल्ट किस तरह से कट करना है वो बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अपना जो फैब्रिक है वो सीधा कर लेती हूँ और यहाँ से बेल्ट के लिए आपको कट करना है जो हमारी चौड़ाई है, ठीक है। वो आपको जितना भी कमर है आपका उसका चौथा भाग लेना है, उसमें आपको 1/2 इंच ज़्यादा ले लेना है, यानी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया, यहाँ से भी 7.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन जितना हमने लिया था अपने ब्लाउज में उतना हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन 1.75 का लिया था तो उतना पे मैंने मार्क लगा दिया। तो ये हमारी आएगी, हमारा जो नेक का साइड है, ठीक है, ये वाली साइड आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 4 इंच, यानी 4 इंच, और इस साइड से हम लोग लेंगे 3 इंच। और यहाँ से भी मैं सबसे पहले 3 इंच ले लेती हूँ, यानी दोनों को बराबर लेके स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। उसके बाद यहाँ से सेंटर से, ठीक है, इस तरह से आपको गोलाई यहाँ पे दे देना है। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया 32 बस साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और ये विगनर लोगों के लिए है। सो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये जो मेथड है यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। और उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।